गुड मॉर्निंग क्लास। यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स। कल जो है अपन सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने देखा है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो है मैनमेड फाइबर्स होते हैं। ओके, दीज आर मैनमेड फाइबर्स। ये मैनमेड फाइबर्स होते हैं, राइट? इट मींस ये जो है नेचुरली अगर नहीं होते, इनको बनाना पड़ता है, इनको सिंथेसाइज करना पड़ता है, राइट? जिसके अंदर मेनली मैंने आपको कल बताया था कि जनरली जितने मैनमेड फाइबर्स होते हैं ऑल आर पॉलीमर्स। सारे के सारे कैसे होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं, राइट? पॉलीमर जो है एक ग्रीक वर्ड है, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पॉली इन द सेंस मैनी एंड मर इन द सेंस यूनिट्स। यूनिट्स मतलब कि सिंथेटिक फाइबर्स जो है सिमिलर काइंड ऑफ यूनिट्स से मिलकर बने हुए होते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ यूनिट्स जो है आपस में एक दूसरे से जो है अटैच हो जाती हैं, और अटैच होने के बाद में पॉलीमर स्ट्रक्चर बनती है। उस पॉलीमर स्ट्रक्चर से जो है सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं। एग्जाम्पल की अपन ने बात करी थी, जैसे मैंने अपन ने देखा था कल एक नेचुरल जो है नेचुरल फाइबर का अपन ने एग्जाम्पल देखा था, जैसे कॉटन। कॉटन बहुत बेसिक एग्जाम्पल है सिंथेटिक नेचुरल फाइबर का। कॉटन में अपन ने देखा है कॉटन इज अ काइंड ऑफ सेल्यूलोज और मैट ऑफ सेल्यूलोज। सो वी कैन से सेल्यूलोज जो है ये क्या है? एक पॉलीमर है। क्या है? एक पॉलीमर। बट दिस सेल्यूलोज इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज। दिस सेल्यूलोज इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज। वी कैन से थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर मेकिंग अ चेन, और उस चेन को फिर अपन ने क्या बोल दिया है? सेलुलोज बोल दिया है। सो वी कैन से सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे सेलुलोज इज अ पॉलीमर एंड ग्लूकोज इज अ मोनोमर। यूनिट ऑफ मोनोमर्स आर अटैच्ड टू ईच अदर एंड फॉर्मिंग द सेलुलोज। दैट वॉज ऑल अबाउट द नेचुरल फाइबर। ये नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल है। अगर अपन बात करें सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल की, कल मैंने सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल बताया था आपको, जस्ट लाइक ये पॉलीएक्राइल, रेयॉन, नायलॉन एक्सेट्रा। तो आज जो है अपन एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं रेयॉन। रेयॉन के बारे में बात करते हैं कि ये जो है होता क्या है, किससे मिलकर बना हुआ होता है, किसके जैसा होता है, ऑलराइट? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी। सो रेयॉन की अपन बात करें तो रेयॉन जो है एक सिंथेटिक फाइबर है। रेयॉन क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है, ऑलराइट? मैनमेड फाइबर है, ऑलराइट? जिसको ह्यूमन बीइंग अपनी एक्टिविटीज से जो है बनाता है। ओके, क्लियर? ये जो है फाइबर सिल्क के सिमिलर होता है। सिल्क भी एक फाइबर है, बट सिल्क कैसा है? नेचुरल है। ये सिल्क की जैसा ही दिखाई देता है। दिस इज लुक्स लाइक सिल्क, ऑलराइट? इसके बाद में नेक्स्ट आता है इट इज चीपर देन सिल्क। ये जो है सिल्क से चीपर होता है। सिल्क के बारे में मैं आपको बताऊं तो देखो, चाइना के अंदर जो है सिल्क की डिस्कवरी हुई थी, ऑलराइट? किस प्रकार से? ड्यूरिंग 18th सेंचुरी के दौरान जो है द किंग ऑफ चाइना वाज सिटिंग अंडर द ट्री ऑफ मलबेरी। तो सडनली व्हाट हैपेंस कि जो है एक कॉकून की बॉल आकर जो है उनकी चाय के अंदर गिर जाती है। गिरने के बाद में फिर वो देखते हैं कि वो ऑटोमेटिकली चाय के अंदर जो कलर था वो जो है उस कॉकून के ऊपर चढ़ जाता है। वो उस कॉकून की रील को खोलकर देखते हैं तो बड़ा सिल्की सा फाइबर निकलता है। वहीं से जो है सिल्क की डिस्कवरी की गई थी। सिल्क जो है बहुत ही फाइन जो है फाइबर होता है, बट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक जो है उन्होंने अपनी इस डिस्कवरी को जो है एनक्लोज रखा, किसी को बताया नहीं। उसके बाद में जो है उन्होंने अपनी इस डिस्कवरी के बारे में बताया था, ऑलराइट? तो ये भी कहीं ना कहीं जो है रेयॉन भी कहीं ना कहीं सिल्क की जैसा ही दिखाई देता है, और सिल्क से चीपर होता है। ये सिल्क से क्या होता है? ये चीपर होता है, ऑलराइट? इसके बाद में इट इज मेड ऑफ वुड पल्प एंड केमिकल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस किस से मिलकर बना होता है? वुड पल्प से मिलकर बना होता है, इसके अलावा केमिकल्स से मिलकर बना होता है। केमिकल्स और वुड पल्प से जो है मिलकर बना हुआ होता है। वुड पल्प इन द सेंस वी कैन से दिस इज द पल्पी पार्ट दैट इज इनसाइड फाउंड द वुड। ये जो है पल्पी रीजन होता है जो कि वुड के अंदर की तरफ पाया जाता है। उस पल्पी रीजन को निकाल कर उसके अंदर केमिकल्स मिला दिए जाते हैं, और मिलाने के बाद में जो अपन को रिसीव होता है दैट इज रेयॉन। व्हाट्स दैट इज? दैट इज रेयॉन। इसके बाद में इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। देखो ये सिल्क के जैसे ही दिखाई दे रहा है, ऑलराइट? इसकी अपीयरेंस जो है सिल्क के जैसे ही है, तो डेफिनेटली वी कॉल इट दैट इट लुक्स लाइक सिल्क एंड इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है,
Which synthetic fiber is known as artificial silk? Obviously, that will be rayon. Rayon जो है उसको artificial silk भी बोलते हैं. इसके अलावा next है, it is used in bedsheets. Bedsheets के अंदर जो इसको use में लेते हैं, carpets बनाने के अंदर इसको use में लेते हैं. Alright, इसके अलावा जितने भी females की जो है साड़ी होती है या फिर दुपट्टे वगैरह जो होते हैं, alright, उन सारे fabric के अंदर भी rayon को use में लेते हैं. So these are some certain properties those are found in rayon. I'm repeating it again. Rayon जो है एक synthetic fiber होता है, right? इसके अलावा ये जो है silk के जैसा ही होता है, ये silk से cheaper होता है, right? इसके अलावा इसको wood pulp और chemicals दोनों को आपस में mix करकर उससे obtain किया जाता है, right? ये जो है इसको artificial silk भी बोलते हैं. And this is used in bed sheets and carpets. Bed sheets और carpet बनाने के अंदर इसको use में लिया जाता है. That's all about rayon. In the next lecture, we'll talk about nylon and some certain synthetic fibers. Alright, I hope you have understood this. Thanks. Have a nice day.